अपना विला में पहुंच गए। हम लोगों का विला किसी और को दे दिया गया था, जो जिससे हम लोग बुक किए थे उसको, उसने हम लोगों का विला ज़्यादा पैसे के लिए किसी और को दे दिया था और हम लोगों को दूसरा विला बुक करना पड़ा। उसके लिए हम लोग को बहुत वेट करना पड़ा और बहुत हैरेस होना पड़ा और बहुत कुछ किया हम लोग इसके लिए, लाइक हम लोगों को बोलना पड़ा। और यहाँ पे जो भी है, हम लोग अभी फाइनली पहुँच गया है और यहाँ पे कपिश और प्रियंका किचन में खाना पका रहे हैं और यहाँ पे अभी पायल डेकोरेशन कर रहे हैं प्रियंका का बर्थडे है का। और हम लोगों का जो गाना चल रहा है उस, ये हम लोगों का लव वर्ड है, तो वो लोग अपना गाना गा रहे हैं और यहाँ पे पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं। राजदीप पायल का हेल्प कर रहा है और रोमित है कि गाना सुन रहा है और अपने में कुछ कर रहा है। और ये देखिए हम लोग का डांसिंग क्वीन जो डांस करते करते अपना ड्रिंक्स बना रहा है। सो फिर से हम लोग आ गए इसमें, इसके ऊपर, और अपना वो कुछ नीना पे कुछ कर रही है। और ये हम लोग का ड्रिंक्स का काउंटर है जहाँ पे हम लोग का आज बारटेंडर है नील, जो अपना बहुत ही अपना प्यारा प्यारा हाथों से हम लोग को बहुत ही अच्छा ड्रिंक दे रहे हैं। और यहाँ पे अपना पति का सेवा करते हुए, अपना पति को खाना खिलाते हुए, और फिर वो कर रही है डांस। और अभी यहाँ पे कैमिस को बोल रही है कि डांस करो डांस करो, रुक क्यों गई हो, क्योंकि उसको लेना था वीडियो अपने ब्लॉग के लिए। और यहाँ पे प्रियंका ने को उसने बोला कि वीडियो करना है, इसलिए डांस करो। तो प्रियंका डांस करते करते रुक गई थी, फिर वो फिर से डांस करना शुरू कर दिया कर दिए। सो डांस करते करते एज यूजल पायल सजा रही है, डेकोरेशन कर रही है और ये डांस कर रही है और सबको मिठाई दे रही है। सो कहीं पे भी मिलता है तो जहाँ पे भी उसको जगह मिले और डांस का मौका मिले वो डांस करना शुरू कर देता है। ये है कपिश जो पूरा वीडियो ले रहा है। और वहाँ पे देखिए हम लोगों का और एक लव वर्ड है जो रोमांस कर रही है। और अभी यहाँ पे हम लोगों का पूरा डांस चल रहा है एंड पार्टी का प्रिपरेशन चल रहा है, डेकोरेशन एंड ऑल, सब डांस कर रहा है, सब अपने में ही है, पूरा चीज़ कर रहा है। और फिर आ गया यहाँ पे हम लोग और डांस कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग का मिठाई बन रहा है और राजदीप यहाँ पे मुँह फुला के बन रहे हैं और पोज दे रहे हैं। और ये रहा रोमित, खुद तो हनी सिंह समझते हुए टोपी और चश्मा पहन के डांस कर रहा है। और यहाँ पे कैमे कोशिश कर रहा है और नील खाना खाने में बिजी है एज यूजल। और पायल यहाँ पे खटते खटते बेहाल और प्रियंका यहाँ पे डांस करते करते नहीं हुई बेहाल। और ये चल रही मैं और प्रियंका के साथ डांस करते हुए और ब्लॉग करते हुए। और यहाँ पे सब कोई अभी डांस कर रहा है, कैमे सोच रही है कि कैमे क्या करेगी, तो वो चली गई अपना एक बलून लेके फुलाने के लिए। अभी कैमे फिर से आ गई मेरे पास और देख रही है, कोशिश कर रही है और पोज दे रही है। सो यहाँ पे प्रियंका और रोमित यहाँ पे डांस कर रही है। रोमित खुद को मिका सिंह एकदम ही समझना शुरू कर दिया, सॉरी मिका सिंह नहीं, हनी सिंह, या एग्जैक्टली हनी सिंह। और यहाँ कैमे बहुत कोशिश से एक बलून फुलाया लेकिन उसका शेप थोड़ा खराब हो गया। और मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लॉग करते हुए देख रही हूँ सबका, चीज़ें का अपडेट कर रही हूँ और अपने आप को थोड़ा निहार रही हूँ और क्या करूँ क्या करूँ सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ। सो यहाँ पे सब कोई डांस और पार्टी में अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा डांस भी कर लूँ और आपको थोड़ा बता भी दूँ कि क्या हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये आ गई प्रियंका फिर से वीडियो में पोज देने के लिए, तो इसने अपना जैकवर वाला जो लोगो है उसका, सॉरी जैकवर नहीं है, कुछ और ही लोगो है, इसका जो टोपी है वो पहन लिया। और यहाँ पे अपना जो डेकोरेशन जो कर रही थी पायल, वो अभी कर रही है डांस क्योंकि वो बहुत ही थक गई है और अभी उसका डांस का मूड हो गया तो वो डांस कर रही है। ये रहा हम लोगों का ड्रिंक्स हम लोग चेयर्स करते हुए। और हम लोगों का जो टम्बलर है ये हम लोग खास करके यहाँ के लिए ही खरीदा था। और ये रहा प्रियंका मेरा गोदी में डांस करते हुए, उसको खाली डांस करने का मौका चाहिए कि यहाँ पे भी चाहे वो डांस कर सकती है, वो डांस का इतना ही फैन है। तो अभी वो डांस कर रही है और हम लोग भी डांस कर रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं और अपना खाना कुछ स्टार्टर जो मंगवाया था हम लोग खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे कैमे अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आ गया है और कुछ देर बाद ही हम लोगों का यहाँ पे केक काटना शुरू होगा, तो उसका प्रिपरेशन कपिश रोमित बाकी सब कर रहे हैं। और यहाँ पे ये रहा हम लोगों को नील गुलाब देते हुए प्रपोज करते हुए और हम लोग अच्छे से यहाँ पे गुलाब को प्रपोज एज अ गुलाब लिया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। और ये आ गया हम लोगों का केक, जो केक बहुत ही संभाल के हम लोग लाया था। इसका टैग देखना मत भूलिएगा, टैग सिर्फ
एकदम ही पूरा प्रियंका के लिए सोच के बनाया गया था उसका टैंक। हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, आप टैंक को अच्छे से देख लीजिए। और ये रहा केक कैसा था, इसका ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये रहा हम लोगों का पूरा डेकोरेशन सोफ़ा के साथ मैच करते हुए जो ने किया था पायल ने। प्रियंका अपना बर्थडे केक काटने यहाँ पे भी वो डांस कर रही है कंटिन्यूसली, आप देखिए। और पवन यहाँ पे हम लोगों को ब्लॉक करते हुए देखते हुए, और प्रियंका अभी पोज देते हुए अपना फ़ोटो सेशन कर रही है। सो अभी हम लोग आ गए, अभी हम लोगों को बुलाया जा रहा है, और बुलाने के बाद हम लोग सब कोई आ जाएगा यहाँ पे। देखिए मैं आ गई, इसके बाद आ जाएगा नील, ये मेरा कैमरा गार्ड करते हुए रोमित, और नील सबको ड्रिंक देते हुए, और यहाँ पे फिर आ जाएगा नील अपना फ़ोटो सेशन कंप्लीट करने के लिए। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ देर के लिए फ़ोटो सेशन, फिर करेंगे हम लोग केक कट। तब तक पवन हो रहा है बोर्ड, वो सोच रहा है कि क्या खुरापति दिमाग अपना चलाए जिसमें वो खुरापति कुछ कर पाएगा। अभी थोड़ा देर में वो अपना खुरापति दिमाग यहाँ पे दिखाएगा। और ये देखिए सुंदर सुंदर लड़कियाँ अपना फ़ोटो सेशन कंप्लीट करते हुए। ये रहा हम लोगों का फोटोग्राफर जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फ़ोटो उठा के दिया है। और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैंडिड उठाने का और पोज देने का। ये रहा पवन जो अपना खुरापति दिमाग चलाएगा अभी थोड़ा देर में। और अभी हम लोग यहाँ पे कैंडिड कर रहे हैं, कैंडिड फ़ोटो उठा रहे हैं। ये लिया का पवन ने केक और अपना खुरापति दिमाग चलाना वो शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और अभी प्रियंका बोल रही है कि नहीं नहीं मेरा केक है। अभी ये नाइफ लिया, ये खुद ही अपना प्रियंका का बर्थडे केक अपना समझ के काट ले रहा है, लेकिन हम लोग काटने नहीं दिया। ये रहा प्रियंका का बर्थडे केक, हम लोग कैंडल जला दिया, जिसको देख के प्रियंका बहुत डर रही थी और अपना बर्थडे केक काट रहे। और हम लोग ऐसे कूद रहे जैसे बर्थडे हम लोगों का ही है पूरा। ये प्रियंका ने पायल को केक खिलाया, सबको, मेरे को खिलाया, नील को खिलाया, सबको खिलाया। और पवन केक देख के फिर पवन को खिलाया, क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा ही खुरापति की तरफ चल रहा है। और ये गई मैं, और अभी प्रियंका सबको पूरा अपना बर्थडे केक सर्व करेगी और खिलाएगी। और ये रहा मैं एक वाइट चॉकलेट उठाते हुए, ये रोमित को प्रियंका ने केक खिलाया, फिर बाकी वो सबको केक खिला रही है। कैमे को केक खिलाया, कपिश को खिलाएगा और राजदीप को खिलाएगा, इसीलिए वो इधर उधर घूम रहा है। और ये रहा प्रियंका का पर्सनल फोटोग्राफर जो एक जन वीडियो कर रहा है और एक जन फोटो उठा रहा है। ये कपिश को फिर केक खिलाया, फिर वो फिर से रोमित को जाके केक खिलाया, अब थोड़ा देर बाद जाके ये जा रहा है राजदीप के पास वो केक खिलाने के लिए। तब तक मैं पवन उठ जा रहा था नीचे, उसको खींच के लेके आया। फिर हम लोग कर रहे और डांस यहाँ पे पार्टी और कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे केक खा रहे, केक खा के सबको यहाँ के बोल रहे हैं कि डांस करो। यहाँ पे अपना कपल शूट कर रहे प्रियंका, कपल शूट फोटो खींच रहे, और पायल और कैमी डांस कर रहा है। और अभी थोड़ा दिन में हम लोग जाएंगे ऊपर, फिर वहाँ पे जाके ये चले आए हम लोग ऊपर स्विमिंग पूल के तरफ। स्विमिंग पूल में कैमे अपना फ़ोटो सेशन कर रहा है, राजदीप और रोमित अपना ही मस्ती कर रहा है, और हम लोग वीडियो कर रहा है। पायल यहाँ पे कैमे का फ़ोटो उठा दे रहा है। सो इसके बाद हम लोग बहुत, ये देखिए पायल, और हम लोगों का आज का थीम था ब्लैक एंड वाइट, जो हम लोग पूल में पहन के उतरने वाले थे, ये सब उसी कपड़े में सब अपना अपना चेंज करके पूल में आ गया। और नील ड्रिंक लेते हुए ये आ गया, रोमित, कैमे, राजदीप कपिश को उठाए हुए, वो लोग तीनों जन मिलके कपिश को उठा के कपिश को स्लो मोशन में डुबा रहा है यहाँ पे। और ये हम लोग पोज देते हुए और अपना ड्रिंक लेते हुए, ये फेंका कपिश ने पायल को, और जो पानी पूरा उछल के आया कैमरे की तरफ। फिर भी हम लोग एज अ स्लो मोशन उसको अच्छे से लिया और अच्छे से दिखाने के लिए अपना कैमरा ख़राब किया। सो ये हो गया, और पायल उठ गया, और अभी चल रहा है रोमांस पानी में। और ये राजदीप और पायल रोमांस करते हुए और डांस करते हुए और पोज देते हुए और ये रहा हम और प्रियंका अपना पोज देते हैं। हम लोग यहाँ पे कपल बना और पानी में डूब गया। यहाँ पे हम लोगों का चल रहा था कि एक जन एक के ऊपर उठेगा, और पानी में ये हम लोग एक दूसरे को गोल गोल घुमाते हुए और डूबते हुए, और पानी पूरा, ये पीछे से बैकग्राउंड था जो रोमित और
राजदीप ने क्रिएट किया हम लोगों को पानी का अच्छा एक इफ़ेक्ट देने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए, किसी कोई किसी को डुबा रहा था, कोई किसी को गले लग रहा था, और ये हम लोगों का फिर से आ गया जो कैमरे शूट कर रहा है, और हम लोग डूब रहे और डूब के उठ रहे ताकि हम लोगों का अच्छे से स्लो मोशन आए। ये हम लोगों का पूरा पानी का मस्ती था। यहाँ पे राजदीप ने जो फोटो या फिर कुछ भी यहाँ पे नहीं था, इसके बीच में राजदीप ने सबको बहुत अच्छे से डुबाया, और ये हम लोगों का पोज देते हुए उठते हुए एक स्लो मोशन है जो राजदीप ने अच्छे से डुबाया सबको, और सबको वो मारा, सबको वो यहाँ पे मारा, सबके वजह उसके वजह से सबको यहाँ पे लगा। और यहाँ पे हो रहा है बारिश, और हम लोग ब्लू है पानी, पानी में डांस करते हुए सब कोई बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मौसम बना था, पानी ऊपर में भी लाइक बारिश हो रहा है और नीचे में पूरा स्विमिंग पूल में, और फिर हम लोगों का आफ्टर स्विमिंग पूल हम लोग यहाँ पे खेल रहे दमसराज। दमसराज एक्चुअली सॉन्ग का है, मूवी का नहीं है, जिसमें कपिश कोशिश कर रहा है अपना बात समझाने को पायल को, और हम बोल रहे हैं कि मैं उसका टीम में होता तो ये बात समझ जाता। तो ये सब कोई कपिश बहुत कोशिश कर रहा है अपना बात समझाने के लिए, और पायल बेचारी बहुत कोशिश कर रहे अब कपिश का बात समझने के लिए, क्योंकि उसका टीम में जो भी था राजदीप एंड कपिश, वो लोग कोई भी इतना प्रो नहीं है दमसराज खेलने में, तो इसलिए वो लोग एक एक गेस कर रहे और कोशिश कर रहे समझने का। और ये रहा कपिश अपना बात समझाने के लिए कोशिश कर रहे, बट हुआ नहीं, तो क्या करे पायल अभी सोच रहे और ऑप्शन ढूंढ रहे। और यहाँ पे प्रियंका बोलते हुए कि नहीं, फूड अभी तक आया नहीं, इसलिए हम लोग दमसराज खेल रहे। और ये रहा हम लोगों का वीडियो का एंडिंग, सारा दिन का क्या जर्नी हमने किया था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूरी लाइक बटन दबाइएगा, और कमेंट अच्छा कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो आता रहेगा ऐसे ही। बाय बाय।